अस्सलाम वालेकुम, राधा किचन में आप सबको खुश आमदीद। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज राधा के किचन में हम लोग बनाएंगे मुर्ग मलाई चिकन टिक्का, जो बहुत ही आसान है, स्टार्टर के हिसाब से आप लोग बना के खा सकते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। तो चलते हैं मुर्ग मलाई चिकन टिक्का बनाने की तरफ। रेशमी मलाई मुर्ग टिक्का बनाने के लिए जो चीज़ें लगेंगी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। 2 बड़ा चम्मच हंकट है और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच बटर, 7 से 8 मिर्ची कूटकर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 2 बड़े चम्मच भर के फ्रेश क्रीम और थोड़ी सी कोथमीर, और ये है कुछ गरम मसाले पाउडर, 1 छोटा चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर ली हूँ मैं 1/2 किलो बोनलेस चिकन, आप ऐसे पीस में भी काट सकते, आप लंबे पीस में भी काट सकते, आपके ऊपर है। तो अब इसमें डालेंगे सब मसाले और मैरिनेशन करेंगे। दही डाल देंगे, फ्रेश क्रीम देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, कुटी हुई मिर्ची डाल देंगे और यहाँ डाल देंगे नींबू का रस और ये मेल्टेड बटर है ये डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे पाउडर मसाले पूरे। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मसाले को मिक्स कर लियो मैंने चिकन के साथ। अब इसको 1 से 1.5 घंटा अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग रख सकते हैं, मैं 1 घंटा रख के आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 घंटा चिकन को रेस्ट करने के लिए रखी थी। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। अब यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच तेल, आप लोग इसके बदले बटर भी डाल के कर सकते। अब इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर लेंगे करके, तो अगर आपके पास ऐसी स्टिक होंगी तो आप लोग इसमें भी लगा के इसको कर सकते, अगर नहीं है तो आप लोग ऐसे एक एक पीस भी करके बना सकते। इस तरह से आप 3 या 4 भी एक कंडी में पीस रख सकते हैं आपके ऊपर है। इस तरह से डाल लेना सबको, इसी तरह से डाल के आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब एक एक कंडी हम लोग इसमें रखते जाएंगे। यहाँ पर हल्के हाथों से इसको आहिस्ते से उठा के पलटी कर लेंगे। इसको चारों तरफ से ऊपर नीचे करके सेक लेंगे। तो चिकन की कंडी को उल्टा पलटा करके चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, जब जाके हमारे चिकन पे अच्छे से डॉट आएंगे तो हमारा चिकन भी अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत लज्जत आएंगी। तो यहाँ पर हमारा चिकन एकदम मलाई की तरह टूट रहा है एकदम, देखिए इस तरह से गलावट होनी चाहिए चिकन में। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इसे और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलती हूँ कोई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।